कि कल रात्रि करीब 9:30 बजे रुड़की के गणेशपुर इलाके में 3 तमंचेदारी बदमाश एक घर में घुसे और उन्होंने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक महिला को उन्होंने तमंचे की बट से घायल भी कर दिया। इस मामले में पुलिस लगातार उन बदमाशों की तलाशी में अभियान चलाए हुए है, जगह जगह कैमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर रही है। आपको बता दें कि आज उस घटना स्थल का मौका मुआयना करने उस घर पे खुद जिले के हरिद्वार के एसएसपी और जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। आइए जानते हैं क्या कहा एसएसपी हरिद्वार अजय कुमार ने। देखिए, गणेशपुर में भंवर सिंह का मकान है और यहाँ पर जो रात्रि सनसनीखेज वारदात हुई थी और सही में इसमें कुछ जिस तरह से बदमाश 3 की संख्या में थे और हथियारों के बल पर जो लूट करी थी और इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है इसे, है ना। और इसमें साथ ही साथ अभी जो पीड़ित परिवार है इनसे भी जानकारी की गई, बात करी गई है, पुलिस ने पहले ही बात करी थी, कुछ और भी बातें इनसे जानकारी की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पुलिस फोर्स इसको जल्दी इस घटना का निवारण करेगी और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोकल ही कहीं आसपास से ही लोग आए हैं, तो जल्दी मुझे लगता है घटना का खुलासा भी होगा और इनको यही आश्वासन मैंने आकर दिया। अभी तक तो देखिए ऐसा कुछ कंक्रीट कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसमें हम कोई अच्छा मतलब ब्रेक थ्रू मिल सकता है या हम उसको पकड़ सकते हैं। ऐसी कोई फुटेज इस तरह की नहीं मिल पाई जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा कोई हेल्प मिले पुलिस को, चूँकि उस समय लाइट भी चली गई थी और साथ ही साथ ऐसा कोई कैमरे में इतनी क्लियर कुछ ऐसी नहीं आई है, तो उसमें तो अभी कोई ऐसी बात नहीं आ पाई फुटेज में। इस संबंध में भी अभी हम पीड़ित परिवार से बात करिए, क्योंकि इनके द्वारा जो फोन मिलाया गया था वो 112 जो हमारा सेंट्रलाइज है उस पर मिला के 100 नंबर पर मिलाया गया था और उसके बाद चूंकि एक ही समय में उसी समय में एक बड़ी घटना और जैसा आपको पता होगा फायरिंग की घटना हुई थी तो उसमें फोर्स वहाँ भी गया था, तो किसी स्तर की लापरवाही वैसे नहीं आई, लेकिन चूंकि ये बात संज्ञान में आई तो नेचुरल सी बात है इसकी जाँच को भी मैंने एसपी इतिहास साहब को कह दिया कि इसकी पूरी जाँच करके रिपोर्ट देंगे। देखिए, सत्यापन अभियान में सभी का सहयोग चाहिए होता है, उसमें मकान मालिक है उनका भी सहयोग चाहिए होता है, आसपास के लोग को भी, ऐसे लोग को थोड़ा नज़र रखते हैं, अगर कोई संदिग्ध तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसको जरूर पुलिस को गोपनीय रूप से सूचना दे दे, तो इस तरह के लोग चिन्हित होकर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन देखिए, दोनों चीज़ें, पुलिस भी अपना काम कर रही, पब्लिक भी सहयोग करती है, कहीं ना कहीं घटना, क्योंकि जीरो घटना तो मैं नहीं कह सकता कहीं नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर करते हैं इस तरह का दुस्साहस तो जल्दी से जल्दी जो है सलाखों के पीछे ही होंगे, यही बता सकता हूँ। देखिए, इस तरह का बहुत ज़्यादा कोई अपराध का ट्रेंड नहीं, चूँकि रुड़की गंग नहर क्षेत्र में पूर्व में भी बीच बीच में वारदातें होती रही हैं, तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड में नहीं हो और अब कोई घटना हो रही हो, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करूँगा घटना हुई है तो उसका अनावरण भी जल्दी होगा। जो गोली चलने की बात थी वो व्यक्तिगत जो झगड़ा हुआ और उन्होंने लाइसेंसी उससे फायर किया था, तो नेचुरल सी बात है कि उस फायर करने के बाद उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये जो घटना है उसको अटेंड किया गया। जितनी भी 2-4 घटनाएं भी संज्ञान में आई बीच में अभी जो रुड़की और गंगनहर क्षेत्र में हुई है, अब इसके लिए स्पेशल एक टीम बनाकर इसमें काम कर रहे हैं हम लोग।